हेलो गाइस, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन है जम्मू के लिए। तो हमने कैब बुक कर ली है और ये आप देख सकते हैं, ये लखनऊ का वृंदावन योजना जो है, ये वहाँ का है सीन। और मौसम काफ़ी अच्छा है फ़िलहाल, धूप नहीं है और गर्मी भी उतनी नहीं है। तो ये हम लोग आ गए हैं फ़िलहाल तेलीबाग पे, रेड सिग्नल, यहाँ हमें रुकना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये लखनऊ का तेलीबाग एरिया है। तो फ़िलहाल हम लोग निकल चुके हैं और ये कैंट होते हुए जा रहे हैं हम लोग चारबाग। तो आप देख सकते हैं ये कैंट एरिया काफ़ी हरा भरा, और यहाँ पे बाकी जगहों से काफ़ी ठंडक होती है क्योंकि चारों तरफ एकदम हरियाली ही हरियाली है। तो फाइनली हम लोग बस पहुँच गए हैं चारबाग। बस कुछ ही पलों में हम चारबाग पहुँच जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग चारबाग पहुंच गए हैं और ये है ब्रिज चारबाग की। अब यहाँ हमें कैब छोड़ देगी और यहाँ से हम लोग कुछ ख़रीद लेंगे खाने पीने के लिए, क्योंकि हमने कुछ भी लिया नहीं है, जल्दी जल्दी में निकल आए हैं। तो ट्रेन हमारी है 12:55 पर और ये रहा चारबाग मेट्रो स्टेशन है ये, और चारबाग रेलवे स्टेशन भी यहीं पर है। तो हमारी जो ट्रेन है वो बड़ी लाइन से है, छोटी लाइन से नहीं है। तो फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ रिफ्रेशमेंट लेने, यहीं पास में। अभी आज दुकानें ज़्यादा नहीं खुली हैं। तो हम लोगों ने खाने पीने की चीज़ें ले ली हैं और अब हम लोग बढ़ रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ या स्टेशन की तरफ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और ट्रेन आ ही रही होगी। तो दिखाते हैं आपको नज़ारा स्टेशन का, बने रहिए ब्लॉग में। तो ये आप देख सकते हैं लखनऊ का रेलवे स्टेशन, ये छोटी लाइन है, छोटी लाइन के सामने ये मंदिर है, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, ये काफ़ी अच्छा बनाया गया है, छोटी लाइन के सामने है। और फिलहाल संडे है और तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म एकदम खाली चल रहा है फिलहाल, आप देख सकते हैं सामने से। प्लेटफॉर्म पे थोड़ा बहुत भीड़ है, रास्ते में भीड़ नहीं मिली थी और आज ज़्यादा ट्रेनें नहीं हैं, सारी लगभग ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन आ गई है, आप देख सकते हैं कोलकाता जम्मू तवी, इसी से हमें जाना है। फिलहाल राइट टाइम पर एकदम आई है, बिल्कुल भी लेट नहीं। कुछ स्टेशन पर लेट की थी लेकिन बहुत जल्दी कवर कर ली है। तो आप देख सकते हैं ट्रेन आ गई हमारी, ये रहा कोलकाता जम्मू तवी। तो फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन चल दी है और हम लोग अपना बैठ गए हैं, सब कुछ सामान रख दिए हैं और एकदम राइट टाइम पर ट्रेन चल दी है, आप देख सकते हैं।
ये लखनऊ का रेलवे स्टेशन, यहाँ से हम लोग बस निकल रहे हैं और हमारे साथी भी बैठ गए हैं, तीन लोग हम लोग हैं। और बने रहे ब्लॉग में, हम आपको पूरा जर्नी दिखाएंगे, पूरी जर्नी लखनऊ से जम्मू तक की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो अभी ये बाला माऊ क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। तीन मिनट भी नहीं लगेगा ना, समझाओ। तो बता दें, 18 घंटे की जर्नी है हमारी। तो टाइम पास करने के लिए हमने कई तरह के गेम खेले, जैसे कि दमसराज आप देखे, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी है। और ऐसे ही खेलते और बात करते जर्नी कट जाएगी। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी हम लोग फ़िलहाल पहुँच गए हैं हरदोई। तो फ्रेंड्स, हरदोई से निकल चुके हैं, ट्रेन एकदम राइट टाइम पे, अगर कहीं लेट भी कर रही है तो कवर कर ले रही है, तो ये चीज़ अच्छी है कि हमें टाइमली पहुंचा देगी। देखते हैं आगे कहीं लेट ना करे। वीडियो कमेंट ज़रूर करिएगा, जय माता दी। फ्रेंड्स, टाइमली एकदम ट्रेन चल रही है, आप देख सकते हैं नज़ारे। तो ट्रेन यहाँ पे कर्व ले रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी हरियाली है यहाँ पे, मौसम फ़िलहाल सभी जगह नॉर्मल ही है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। ट्रेन रुक रही है तब थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है, बाकी ठीक है। आगे देखते हैं कैसा मौसम रहेगा। तो बस अगला स्टेशन बरेली आने वाला है, और ये देख सकते हैं बरेली हम लोग पहुँच गए हैं। तो फाइनली बरेली जंक्शन हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट रुकेगी ट्रेन, कहीं पर 5 मिनट से ज़्यादा रुकने का नहीं है इसका। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है कि तुरंत रुक रही है और चलते रही है अपने टाइम पे। तो फ़िलहाल हम लोग बरेली से भी निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रेन रुक गई है, काफ़ी देर हो गया, 15-20 मिनट ज़्यादा हो गए, और रामपुर जंक्शन हम लोग पहुँच गए हैं। बीच में ट्रेन रुक गई थी आधे घंटे के लिए, लेकिन बाकी फिर से कवर कर लिए, और हम लोग रामपुर जंक्शन पहुँच गए हैं, आप देख सकते हैं। ट्रेन कवर कर रही है, ये चीज़ अच्छी है, नहीं तो बीच में तो रुक दी थी, हमें लगा लेट हो जाएगी। और ये शाम हो गई है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है सूरज ढलते समय। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन, आप देख सकते हैं ट्रेन हमारी पहुंच गई है राइट टाइम।
और यहाँ पर भी 5 मिनट का ही है रुकने का, फिर यहाँ से भी निकल जाएंगे जल्दी। तो फ्रेंड्स रात हो गई है, हमने खाना खा लिया है और चल रहे हैं सोने। तो मिलते हैं आपको मॉर्निंग में, बन रही है ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और सुबह हो गई है और हम लोग रात में खाना वाना खा के सो गए थे और सुबह अभी उठे हैं। अभी ये 5:30 हो रहे हैं, आप देख सकते हैं सुबह के नज़ारे। और बाकी अभी अंकित सो रहे हैं और हम लोग अभी उठ गए हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी रात हो गया था सोते सोते। और ये है, मैं क्लियर नहीं हो पा रहा है, फगवाड़ा जंक्शन। तो यहाँ पे ट्रेन अभी रुकी है, देख सकते हैं सुबह हो गई है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी हरियाली है। और ये हम लोग शायद अम्बाला या पठानकोट से के आसपास से निकल रहे हैं और सूरज निकल चुका है, एकदम सुबह सुबह का टाइम है। ट्रेन अपने रफ्तार से एकदम चल रही है, रात में लेट करी थी लेकिन फिर से टाइमली हो चलने लगी। और ये देख सकते हैं आप क्या खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं जालंधर कैंट, आप देख सकते हैं जालंधर कैंट। ये जालंधर का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट ही रुकेगी, उसके बाद चल देगी। फ़िलहाल ट्रेन रुक गई है और 2 मिनट रुकी थी, फिर से चल दी है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अभी कुछ ही देर में आपको पहाड़ दिखने लगेगा, मैं दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी दूर है लेकिन दिख रहे हैं, जूम करके दिखाते हैं आपको। ट्रेन यहाँ पे धीरे चल रही है, शायद आगे कोई नदी है। तो आप देख सकते हैं ये पहाड़ दिखने लगे हैं हमें, ये संकेत दे रहा है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं जम्मू, बस कुछ टाइम में पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये ब्रिज बन रहा है, मैंने बताया था कोई नदी है। तो आपको बता दें ये मेरा 4th या 5th टाइम है और बाकी लोग जो लोग जा रहे हैं उनका 1st-2nd टाइम ही है। तो आप देख सकते हैं ये ब्रिज, ये नज़ारा देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग कठुआ पहुंच गए हैं और आपको बता दें कि कठुआ के बाद से आपका फ़ोन का नेटवर्क चला जाएगा, पोस्टपेड चलेगा, प्रीपेड के नेटवर्क चले जाएंगे। तो ये रेलवे स्टेशन क्रॉस करते ही, तो अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो वो चलेगा, उसका नेटवर्क रहेगा, लेकिन अगर आपके पास प्रीपेड है तो उसका नेटवर्क चला जाएगा। तो आपको सिम यहाँ का लेना पड़ेगा, सिम मिल जाता है आसानी से, यात्री सिम करके हर जगह शॉप होगी तो मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग का भी नेटवर्क चला गया है और ट्रेन यहाँ रुकेगी। तो फ्रेंड्स कठुआ से हम लोग निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं, ये देखिए पथरीले जो सरफेस है काफ़ी पथरीली है, पत्थर दिखेंगे आपको चारों तरफ, पेड़ के साथ पत्थर। और ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है, ये देखिए काफ़ी तेज़ी से चल रही है फ़िलहाल।
तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं, बस अगला स्टेशन जम्मू तवी ही है। तो ये दे सकते हैं हम लोग पहुंच गए जम्मू तवी और ये रहा हमारा जर्नी कंप्लीट हो गया है। सुबह 10 बज गए हैं, थोड़ा सा लेट हो गई है ट्रेन, आधे घंटे से ऊपर लेट है, लेकिन फाइनली पहुंचा दी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कैसे कोरोना टेस्ट हुआ और बाकी चीज़ें। तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। अरे आंटी।